ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2024 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है कि हम सब मिलकर अव्यक्त मिलन करेंगे। आज बाप दादा से हम मंगल मिलन मनाएंगे। उस मंगल मिलन की तैयारी कि हम साइलेंस में रहेंगे, चलते फिरते बाबा का आह्वान करते रहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सबसे मिलने के लिए आ जाओ। मूल वतन से बाबा हम सबसे मिलने के लिए आते हैं। हम सभी प्रभु मिलन के लिए अपने मन को पूर्व में तैयार कर लेंगे। बहुत ही सुंदर क्लास आदरणीय सूर्य भाई साहब हम सबको कराएंगे प्रभु मिलन की तैयारी, और तत्पश्चात अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। उन अव्यक्त महावाक्यों में वर्तमान समय के हिसाब से हमें जो पुरुषार्थ करना है वो बाबा अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अव्यक्त इशारे देते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं। एक एक महावाक्य को दिल में स्थान देना है और इस खुशी में रहना है कि हम बहुत भाग्यवान हैं, स्वयं भगवान हमें परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। जो उन्होंने कहा वो मुझे करना ही है, जरा भी कहीं कोई संशय नहीं। निश्चय बुद्धि आत्माएं अचल अडोल रहती हैं और इस मिलन का, अव्यक्त मिलन का सुखद अनुभव करती हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने मुरली में सुनाई कि तुम बच्चों को सबको सुख देने वाला बनना है, पुरुषार्थ करके सबको सुख देना है, और बहुत खबरदारी रखनी है, अपने जबान पर पूरा नियंत्रण रखना है, मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं देना है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वो कदम कदम सुखदाई बन जाते हैं, वो बाबा की बात को कभी सुना सुना नहीं करेंगे। गुणवान बच्चे गुण को धारण कर सबको सुख देते हैं, अवगुणों को निकालते जाते हैं। चलते चलते जब याद का पुरुषार्थ करते हैं तो माया बहुत परीक्षा लेती है। तुम बच्चों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, ये याद का पुरुषार्थ निरंतर करना है, भले इसमें माया कितने भी तूफान लाए, और अपनी जांच करनी है कितने दैवी गुण धारण किए हैं, सिविलाइज्ड कितना बने हैं, बाबा को कितना याद करते हैं। कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके मित्र संबंधी जानते हैं कि ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या बन रहे हैं। यहाँ पर तो कोई कोई जानते हैं और कोई कोई बिल्कुल नहीं जानते हैं। मतलब एक ज्ञान में चलता है तो उसके परिवार को पता होता है कि ये कहाँ जाते हैं, क्या बनने वाले हैं। जो नहीं चलते उन्हें नहीं पता। बाबा के ईश्वरीय संदेश सबको देना है और बहुत बहुत सहनशील बनना है। तुम बच्चों को निंदा स्तुति मान अपमान सब सहन करना है, गुलगुल बनना है। गुलगुल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें गुलगुल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। बाबा आया है तुम्हें गुलगुल बनाने। तुम फूल बच्चे कब किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। क्वेश्चन है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? किस एक बात में तुम्हें बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोकलाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है, अपनी जांच करनी है हमने कितने दिव्य गुण धारण किए, लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बच्चे
आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। शिव बाबा भी निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार, यहाँ आकर के पार्ट बजाते हो, बाबा आकर पार्ट बजाते, ये तुम जानते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा आकर हमें गुलगुल बनाते हैं, तो अब गुणों को छोड़ गुणवान बनना है, अब गुणों को छोड़ गुणवान बनना है। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते, अटेंशन से सुनेंगे, गुणवान बच्चों की निशानी, कभी किसी को दुख नहीं देते, सुना सुना नहीं करते, कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाबा आते हैं सारी दुनिया के दुख दूर होने हैं। बाबा तो श्रीमत देते, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करते रहो, पुरुषार्थ से अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ न करने से पद कम हो जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर का घाटा हो जाता है। अगर अब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये नुकसान न केवल इस समय के लिए लेकिन पूरे 5-4 वर्ष के लिए कल्प कल्पांतर के लिए घाटा हो जाता है। बाबा बच्चों को हर बात समझाते, बच्चे अपने को घाटा ना डाले। बाबा कहते बच्चे अपने को घाटा डाले ये बाप नहीं चाहता। बच्चे कभी भी अपने को घाटा ना डाले, अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़े ये बाबा चाहते हैं। बच्चे अपने को घाटा डालें ये बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलते रहना है। भले बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो ऐसे बेहद बाप को क्यों ना याद करें। भले बुद्धि इधर उधर जाती है तो भी पुरुषार्थ में लगे रहना है, बाबा को याद करते रहना है, जिस याद से ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंच पद पाए, यहाँ तो किसी को पता नहीं पड़ता, तुम्हारे संबंधी ये नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो। उस पढ़ाई में मित्र संबंधी सब जानते हैं कि इसमें कोई जानते हैं कोई नहीं जानते, कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है और विचित्र पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं, बाबा समझाते भक्ति तुमने बहुत की, सो भी नंबरवार जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो फिर ये ज्ञान लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए भी कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी, यहाँ तुम्हें सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है, बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो अपनी तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ा ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा या ना पढ़ता हुआ पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते नहीं, नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है, सहनशील भी बनना है, बुद्धि योग की बात है। ये लड़ाई बहुत मीठी है, यहाँ ये सूक्ष्म लड़ाई चलती है और ये लड़ाई बहुत मीठी है। बाबा को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं, बाकी हाँ इसमें माया विघ्न डालती है, उससे संभाल करनी है। माया पर विजय तुम्हें पानी है, जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता जो कल्प कल्प चलता आया। जानते हो अब हम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाबा ऐसे ही समझाते, ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने, लौकिक बाप की भी दिल होगी हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप आते हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना है। स्वयं पारलौकिक बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा जबान पर बहुत खबरदारी रखनी है, हर कर्मेंद्री पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उससे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है,
आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी, उसको एक जन्म में सिविल बनाना है, जैसे लक्ष्मी नारायण की है। ये सर्वगुण संपन्न है ना, वहां क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं। रावण ही नहीं, ये कोई नई बात नहीं। तुमने अनेक बार ये पद पाया, दुनिया को बिल्कुल पता नहीं ये क्या पढ़ते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते ये क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते, अशुभ आशाएं रावण की होती। तुम्हारी अशुभ आशाएं, क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है। तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते, दुखों का वर्णन होता, सुखों का वर्णन थोड़ी होता। तुम सब बच्चों की एक ही आश है, हम पावन बन जाएं। सो तो तुम जानते हो, पावन बनाने वाला एक बाप है, उनकी याद से पावन बनेंगे। करेंगे 5 सेकंड के लिए याद। बाबा पतित पावन है, उससे पवित्रता की किरणें आ रही हैं। बाबा ने कहा याद से पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन, ये देवी देवता ही हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। जब आप पावन बनते हैं याद से, तो उसमें ताकत कितनी है। तुम पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाते हो। इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिवान बाप से। घर में मुख्य दो चार चित्र रख, बहुत सर्विस कर सकते हो। वो समय आएगा कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे। तुम हो ब्राह्मण, सच्ची गीता सुनाने वाले, नॉलेज बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी रहती है, सारा परिवार ज्ञान में चलता है, वो तो बधाई के पात्र है। क्योंकि सब ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान चिंतन करेंगे, एक साथ योग करेंगे, एक साथ भोग लगाएंगे, तो जैसे कि शांति का वातावरण हो जाता है। उनके लिए तो बहुत सहज है। दो चार मुख्य चित्र घर में हो, ये त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है, और गीता ज्ञान दाता वाला भी चित्र हो। ये चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र रखे हैं, देखने से ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठड़ी बनी पड़ी हो, उसमें भले तुम सो जाओ। छोटा सा बाबा कहते मेडिटेशन रूम बनाओ, छोटी सी कोठड़ी बनाओ, उसमें चित्र रखे हुए हों, इन्हें देखते देखते याद करते। भले आप वहां रेस्ट भी कर लो, अगर श्रीमत पे चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाबा रिमाइंड कराते रहते हैं ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें फिर है समझाने की बातें। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में ढूंढते रहे, परंतु तुम्हें पता नहीं था कि ये कौन है। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनको फिर पानी में जाके डुबो देते। पहले पूजा करते हैं फिर डुबो देते, कितना ज्ञान है। पूज्य की पूजा करके फिर उसको उठाकर समुद्र में डाल देते। गणेश जी को, माँ को, सरस्वती को डुबो देते। एक तरफ पूजा करते हैं फिर जाके विसर्जन कर देते हैं। बाबा बच्चों को कल्प कल्प ये बातें समझाते, रियलाइज कराते, तुम्हें क्या कर रहे हो। बाबा रियलाइज कराते कि ये क्या कर रहे हो, तो बच्चों को भी अंदर में समझना है कि बाबा जो बातें कहते हैं वो राइट हैं। हमें इनके गुणों को अपने में लाना है, तो बच्चों को इस तरह के कोई भी रीति रिवाज नहीं करने हैं। बाबा बच्चों को कल्प कल्प समझाते, रियलाइज कराते हैं ये क्या कर रहे हो। तुम बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाबा इतना समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे तुम ये क्या करते हो। इसको कहते विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं कि वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं, सोने के सिक्के देखने में आते। जबकि मकानों में ही सोना लगता, सोने की ईंटें लगती हैं, तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है, जानते हो। एक एक बात में वंडर है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, देवता भी मनुष्य हैं, परंतु इनका नाम देवता है। इनके आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं, हम पापी हैं, नीच हैं,
हमारे में कोई गुण नहीं, तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं में दैवी गुण है। समझते हैं मंदिरों में जाते हैं, ये नहीं समझते कि ये भी मनुष्य ही हैं, हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुणों वाले हैं और हम आसुरी अवगुणों वाले हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में आता हम कितने नालायक थे, इनके आगे जाके गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब बाबा कहते ये तो पास्ट होकर गए, इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बन गए। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अब तुम विचार करो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम नीचे आ गए। भारतवासी कितने साहूकार थे, अब देखो कर्जा कितना उठाते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अब तुम समझते हो, वह तो सच कहते थे, ना बाप को ना रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। अभी तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के, बड़े बड़े सन्यासी महात्मा ही नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो ये श्री लक्ष्मी नारायण है, एवर प्योर है, ये भी नहीं जानते तो और कोई कैसे जान सकते हैं। कितनी सिंपल बातें बाबा समझाते परंतु बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं, जितना बच्चों में मीठा गुण देखते दिल खुश होती है। बाबा देखते मेरे बच्चों में दिव्य गुण आ रहे हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते, या तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। अगर ऐसा वैसा काम करते हैं तो तीनों की निंदा कराते, सत बाप टीचर सतगुरु की निंदा कराने से फिर ट्रिपल दंड पड़ जाता है। परंतु बाबा कहते तुम बच्चों में ये समझ नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट होगा। कई बच्चों में फिर समझ नहीं है, कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं। बाबा समझाते ऐसे भी होंगे जरूर, माया कम नहीं, आधा कल्प पाप कराती है, पाप आत्मा बनाती, बाप आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते, वे भी नंबरवार बनते। बनाने वाले भी दो हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं, राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं, तुम्हें गिनती की दरकार नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इनकी दुनिया थी जो पास्ट हो गई, उनको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता। फिर जैसे पुराना मकान होता तो टूटने लायक बन जाता, ये दुनिया भी ऐसे है। अब है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी और करानी है। बाबा सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे, तुम बच्चे उन गॉडली सर्विस हो। बाबा तो नहीं जाएंगे, तुम बच्चे ईश्वरीय सेवा पर हो। बाप जो सर्विस सिखाते वो करनी है, तुम्हारी गॉडली सर्विस है, गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम ऊंचा करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, मिलता तो सबको है। निमित्त बाबा ने माताओं को रखा सेवा करने के लिए, सभी चाहिए, माताएं, भाई, बच्चे, कुमार, कुमारियां, सब चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, मिलता सबको है। तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी स्वर्गवासी थे, वहां कोई दुखी नहीं थे। अब है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अब है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, बिल्कुल जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य है। अब इन बातों को भूलना होता है, इन बातों को भूलना होता, दे सही दे के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाके दूसरा शरीर लिया, तो 12 मास जैसे कि हाय हुसैन मचाते हैं, रोते रहते हैं, विलाप करते हैं। अब तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच कुल में जन्म लेगी नंबरवार। थोड़े ज्ञान वाले साधारण कुल में जन्म लेंगे, ऊंच ज्ञान वाले ऊंच कुल में जन्म लेंगे, वहां सुख बहुत होता है। सतयुग की दुनिया में सुख बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना, गुणवान बन, सबको सुख देना है, पुरुषार्थ कर, सबके दुख दूर करने हैं, विकारों के वश होके कोई विकर्म नहीं करना, सहनशील बनना है, कोई भी क्रिमिनल दृष्टि अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी। बाबा जो सुनाते हैं सुना अनसुना नहीं करना, गुणवान बन सबको सुख देना, पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं, विकारों के वश होकर कोई विकर्म नहीं करना, सहनशील बनना है, कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी। बहुत सुंदर वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भाव, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, शांति की शक्ति से सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वो साइंस भी साइलेंस से निकलती है, तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो, संभव को भी संभव कर सकते हो। जैसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो, शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन है वाणी द्वारा सबको सुख शांति दो तो गायन योग्य बन जाएंगे, वाणी द्वारा सबको सुख शांति दो तो गायन योग्य बन जाएंगे। आज हम बाबा का आह्वान करते हुए बार बार इस स्मृति में रहेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान मुझसे मिलने के लिए आते हैं, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वा, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। साथ साथ एक व्रत रखेंगे वाक संयम का, हमारी जुबान से कभी किसी को दुख ना पहुंचे, गलत बोलने की बजाय चुप रहना ज्यादा अच्छा है। मैं सहज योगी आत्मा हूं, शांति की शक्ति से बाबा को याद करना सहज हो गया। ये औषधि सुख देने वाली है। कदम कदम पर एक की लगन में मगन होना, एक के श्रीमत पे चलना सहज योगी बना देता है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरे, बाबा की ये याद आत्मा को पावन बनाती है, शक्ति संपन्न बनाती है, वाक संयम सिखाती है। वही बोल बोलेंगे जो बाबा को अच्छे लगते हैं, जैसे बोल बाबा बोलते हैं। हर एक आत्मा को देखते हुए याद आए ये बाबा का मीठा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, इनका भी कल्याण हो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। अगर यह एक काम ब्राह्मण कर ले तो उनके सारे किस्से और केस खत्म हो जाएंगे। वह कौन सा विशेष कार्य है उसे जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।